हाय गाइज, मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन के बारे में। बट उससे पहले मैं आपका कुछ सेकंड लेना चाहता हूँ अपनी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए और अपने बारे में थोड़ा सा बताने के लिए। कुछ सेकंड अगर आपको नहीं सुनना है तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर फोन के बारे में देख सकते हैं। तो जब मैं कॉलेज में था तब मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था और वो चैनल स्टार्ट करने के पीछे एक मकसद था मेरा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने पूछा कि भाई ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं उसका जवाब दे पाता था कि भाई हाँ इस बजट में ये फ़ोन सही है और तुम ले सकते हो, और वो भी बाद में खुश हो जाते थे कि हाँ भाई फ़ोन अच्छा है। एंड ऐसी ज़िंदगी चल रही थी तो उस चैनल पे लगभग मैंने 100-110 वीडियोज अपलोड कर दी थी, जिसका आई थिंक कि कुछ तो हुआ, इंप्रेशन नहीं बन रहा था या फिर शैडो बैन हो गया था, वो चैनल चल नहीं रहा था, तो मैंने उसको बंद कर दिया। एंड उसके बाद मैं बीटेक कर रहा था तो मैं प्लेसमेंट की तैयारी भी कर रहा था क्योंकि भाई जॉब लेना ज़रूरी है। तो प्लेसमेंट लगा मेरा एक स्टार्टअप में, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। उसके बाद भाई आया कोविड। कोविड ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है, कुछ कुछ की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है एंड बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ बहुत कुछ बुरा भी हुआ है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का ब्रेकअप हुआ है, बहुत सारे लोगों का जॉब गया है जिसमें से मैं भी एक हूँ स्टार्टअप से। अगेन मैं दूसरी दूसरी कंपनीज में अप्लाई कर रहा था एंड भाई लकली एक जगह प्लेसमेंट हुआ। एंड उस बीच में, उस प्लेसमेंट और उस कोविड के लॉकडाउन के बीच में मेरे साथ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें से दो मेजर जो चीज़ें हुई थी वो था भाई एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको किसी और दिन अच्छे से बताऊंगा, एंड दूसरी चीज़ हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। एंड भाई एंड ये चैनल ना ऑन एन एवरेज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरी एक्सपेक्टेशन से अबव। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भाई ये स्टोरी क्यों सुनाई तुमने, ये स्टोरी हमने क्यों सुनी, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। बिकॉज नाउ हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन के साथ में काम करना चाहते हैं। अब मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ लाइक माइंडेड लोगों की, एंड ये कम्युनिटी ना एक बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों की कम्युनिटी रहने वाली है जो फ्यूचर में साथ में ग्रो करें और बहुत अच्छी चीज़ों पर ग्रो करें। तो ये था मकसद इस स्टोरी के पीछे। अब हम चलते हैं अपने फोन के बारे में बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अब हम बात करते हैं भाई अपने फोन के बारे में। लगभग 6 महीने पहले वन प्लस ने ये फोन लॉन्च किया था एंड उसके बाद भाई फेस्टिव सीजन में हमने ये फोन खरीद लिया था, तो लगभग 3 महीने से ये हमारा एक प्राइमरी डिवाइस बन चुका है। तो भाई अगर आपकी तलाश है कि 20-30 हज़ार के अंदर हमें एक अच्छा फोन देखने को मिल जाए वन प्लस की तरफ से, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली चीज कि भाई ये फोन हमारे हाथ में कैसा फील होता है, बहुत ही स्टडी और एक प्रीमियम स्मार्टफोन जैसा फील होता है। जहां पे जो इसका बैक पैनल है ना वो ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है, वो ग्लॉसी फिनिश ना कभी कभी हमारे हाथों और गालों के लिए बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि भाई हम ना कवर के साथ में यूज करें तो वो काफी ज्यादा सेफ रहेगा और स्लिप नहीं होगा हमारे हाथों से। साथ ही ज्यादा अगर हम फोन के डिजाइन के बारे में बात करें तो पीछे हमें कैमरा के 2 मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पे हमें बेसिकली 3 कैमरास देखने को मिलता है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। फोन के फ्रंट साइड में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। भाई इस फोन में ना कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो वन प्लस के लिए बहुत ही रेयर है, जैसे हमें इस फोन में आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है बट हाँ हमें यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे फोन के राइट साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं और पावर बटन देखने को मिल जाता है। फोन के नीचे वाले हिस्से में हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड सिम ट्रे हमें देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो ये फोन का बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन है वो काफी स्टर्डी है, प्रीमियम फील होता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 782 ऑप्शन देखने को मिलता है जो सही काम करता है इस फोन के साथ में। जहाँ पे हमें इस फोन में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है 8/128 GB एंड 12/256 GB। यहाँ पे अगर हम हीटिंग और लैगिंग की बारे में बात करें तो भाई अगर हम गेमिंग 2-3 घंटे खींचखाची करें ना तो थोड़ा सा हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाता है। इस फोन में भाई देखने को मिल जाता है 120Hz का रिफ्रेश रेट जो कि डायनेमिक है, 30, 60, 90 ऐसे अप डाउन होता ही रहता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि फोन जो होम स्क्रीन पे हम जब ऐप्स को खोल रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कभी कभी स्लो फील होता है, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस। एंड इसी के साथ ओवरऑल जो मल्टी मीडिया कंजप्शन है ना भाई वो भी इसका बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पे जो डिस्प्ले में कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है, जो सेचुएशन है ना, वो सारी चीज़ें मिक्स होकर एक बहुत ही सही रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। बट अगेन नॉर्मल गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। हम ओवरऑल 71 ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हम इस फोन को इसकी औकात के बाहर ले जा रहे हैं। बट हाँ आई नो कि 71 ऐप्स कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है, लेकिन इट इज़ वॉट इट इज़, हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बट परफॉर्मेंस के साथ में हमें बैटरी भी चाहिए, तो भाई बैटरी हमें 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसके साथ में हमें 80W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है।
30 से 35 मिनट में 0-100 फास्ट चार्जिंग कर देता है, जो कि भाई एक्चुअली में काम करता है, बहुत ही जल्द चार्ज हो जाता है फोन। ओवरऑल नॉर्मल यूजर्स पे भाई ये लगभग 1.5 दिन चल जाता है, एंड भाई अगर नहीं चलता है तो उसके लिए फास्ट चार्जिंग है हमारे पास। सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमें भाई यहाँ पे फोन में देखने को मिल जाता है ऑक्सीजन 13, जो कि एक्चुअली में एंड्रॉइड 13 बेस्ड है। यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं फोन के साथ में, जो आपको उस समय अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो चीज भी यहाँ पे है। नाउ कमिंग टू द सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भाई, कैमरा। कैमरा इस फोन का नाम, मतलब क्या ही बात है, क्या ही बात है। फ्रंट कैमरा इसका स्पेशली जब वो फोटो क्लिक करने के बाद में ऑप्टिमाइज उसको करता है ना, वो आंखों के सामने जब हो रहा होता है तो वो और भी अच्छा लगता है देखने में। बेसिकली हम एक फोटो क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे इस रूम में, एंड वो फोटो अच्छी क्लिक करेगा। फोटो क्लिक करने के बाद पीछे का जो दीवार है ना, वहाँ पे अगर रोशनी ज्यादा आ रही है तो वो फोटो क्लिक करने के बाद मैनेज करता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड भाई फोटोज भी इसके फ्रंट कैमरा से बहुत ही सही आती है। प्राइमरी कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 3 कैमराज देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस सोनी IMX890, वहीं पे हमें सेकेंडरी जो है 2 मेगापिक्सल का हमें माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, वहीं पे 8 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। एंड भाई ये जो इसका प्राइमरी लेंस है ना, वो बहुत ही सही काम करता है। वन प्लस अपने और भी स्मार्टफोन्स में इसको यूज करता है, बट ये कि वहां पे OIS यूज करता है, यहाँ पे हमें इस फोन में OIS ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे नॉर्ड 3 में हमें देखने को मिल जाता है, 11 और 11R में भी हमें सेम सेंसर देखने को मिल जाता है, बट ये थोड़ी सी चीज यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिफरेंट प्रोसेसर्स के साथ में उस लेंस का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम 782 प्रोसेसर के साथ में उसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दूसरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे अगर हम स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में कर रहे हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ में, तो यहाँ पे हमें अलग ही काम देखने को मिलता है। दाल चावल को पनीर की सब्जी के साथ खा रहे हैं और हम दाल चावल को आलू मटर की सब्जी के साथ खा रहे हैं, तो मतलब उल्टा ऐसा। एंड हाँ, हमारा जो बैक कैमरा है वो 4K वीडियोग्राफी सपोर्ट करता है, यहाँ पे हम 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें OIS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। भाई हम माइक्रोस्कोपिक लेंस तो कभी यूज करते नहीं, तो उसका हमारे लिए जिंदगी में कोई एग्जिस्ट करना मतलब ही नहीं है। वाइड एंगल भी बहुत ही नॉर्मल सा काम करता है, उससे हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। तो ये है भाई इस फोन के कैमरा के बारे में सारी डिटेल्स। सो 25,000 के बजट में नॉट C3 थम्स अप, आप ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज ओवरऑल जो ये पैकेज है ना 25,000 के नीचे, एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज है, जो हमें एक मिड रेंज स्मार्टफोन में चाहिए वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो यही था इस फोन के बारे में, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।